तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने Realme 12X एंड्रॉइड मोबाइल फोन में, अगर आपके मोबाइल फोन का ईयर स्पीकर ऊपर वाला अगर काम नहीं कर रहा है, तो इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए यहाँ पे वीडियो का हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपके मोबाइल फोन का ईयर स्पीकर अगर काम नहीं कर रहा है, तो इसकी सॉल्यूशन के लिए करने क्या है, सबसे पहले आपको अपने फोन को एक बार रीस्टार्ट करना है। अगला काम ये करना है कि आपके फोन में फाइल का ऐप होता है, इस फाइल के ऐप को ओपन करना है। इसमें आपको नीचे की साइड में ऐप्स का ये वाला ऑप्शन टैप करना है। अगले पेज में सबसे ऊपर आपको सिस्टम ऐप का ये ऑप्शन टैप करना है। इस वाले पेज में आपको एंड्रॉइड सिस्टम का ये ऑप्शन टैप करना है। अब देखिए, इसके अगले पेज में आपको नीचे की साइड स्टोरेज का ये ऑप्शन आपको टैप करना है। अगले पेज में आपको जो है ना, नीचे की साइड क्लियर कैच का ये वाला ऑप्शन टैप करना है। अब आपका कैच के सामने डेटा जीरो हो जाता है, ठीक है। अब देखिए, अगला काम ये करना है कि मोबाइल फोन का सॉफ्टवेयर आपको चेक करना है कि अपडेट है या नहीं है। पहले फोन का इंटरनेट आपको चालू रखना है, इसके बाद फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सेटिंग पेज में सबसे ऊपर सर्च बार पे टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में सॉफ्टवेयर अपडेट आपको लिखना है। आपको नीचे सॉफ्टवेयर अपडेट का ये ऑप्शन आता है, इसे टैप करना है। अब आपको इस वाले पेज पर कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल अगर यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देता है, तो उसे आपको टैप करके फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेना है, ठीक है ना। अब देखिए, एक काम और करना है कि आपको अपने फोन का जो ईयर स्पीकर है, उसे आपको हल्के हाथों साफ करना है, ठीक है ना। होता है क्या, उसमें थोड़ी बहुत धूल मट्टी चिपक जाती है, जिसके कारण ईयर स्पीकर ठीक से काम नहीं करता है, ठीक है। अगला काम ये करना है, आपको अपने मोबाइल फोन को ना रीसेट करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस काम नहीं करते हैं, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है, ठीक है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का आप सेटिंग पेज ओपन करिए, सबसे ऊपर आपको सर्च बार पे टैप करना है। अब यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है। आपको नीचे ऑप्शन शो होता है इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट, इसे टैप करना है। अब आपका ये वाला पेज आता है, इसमें आपको इरेज ऑल डेटा का ये ऑप्शन टैप करना है। आपका नीचे पेज आएगा, इसमें इरेज डेटा का ये ऑप्शन टैप करना है। इससे आपका फोन जो है रीसेट हो जाएगा और आपकी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है कि आपके फोन का जो डेटा है ना, उसका बैकअप ले लीजिए। और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। ये दो काम आपको पहले करना है, उसके बाद फोन को रीसेट करना है, ठीक है ना। तो मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस आपको यूज करना है, इससे आपकी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी। अगर मेरे बताए हुए प्रोसेस से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, तो आपको करना क्या है, देखिए दोस्तों, आपके मोबाइल फोन का जो सर्विस सेंटर है ना, वहां पर आपको सर्विस सेंटर में चले जाना, अपना फोन वहां पे दिखा देना है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, हो सकता है आपके मोबाइल फोन के हार्डवेयर के अंदर कोई दिक्कत आ गई होगी, जिसके कारण आपके मोबाइल फोन का ईयर स्पीकर काम नहीं कर रहा है। मैंने आपको इस वीडियो में जितने भी सॉल्यूशन आपको बताया ना, वो मोबाइल फोन के सॉफ्टवेयर के जरिए बताया, ठीक है।